8 फरवरी 2024 दोपहर बाद उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा ढहाने के बाद हिंसा फैल गई। भीड़ ने बनभुलपुरा थाने को घेरा, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए दंगाइयों को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। हिंसा के तीसरे दिन अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हैं। इंटरनेट भी डाउन है। हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी है। 10 फरवरी को कर्फ्यू हटाया गया, वो भी महज आधे इलाके से। देश के सबसे शांत राज्यों में से एक माने जाने वाला उत्तराखंड इन दिनों हिंसा की चपेट में फंसा हुआ है। राज्य के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हिंसा हुई है, जिसकी चपेट में आकर 160 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिसकर्मी और नगरपालिका के अधिकारी शामिल हैं। हल्द्वानी में हिंसा की आग शहर के बनभुलपुरा क्षेत्र में फैली। उपद्रवियों ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मलिक के बगीचा इलाके में बना वो मदरसा अवैध था? दूसरा सवाल ये कि अगर मदरसा अवैध था तो फिर शासन प्रशासन ने इससे पहले इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों ये हालात बिगड़े? दरअसल जिस मस्जिद पर बुलडोजर चला वो न केवल अवैध थी बल्कि उसे शासन ने पहले ही सील कर रखा था। इस बात की पुष्टि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने की है। उनकी माने तो ध्वस्त किया गया मदरसा और मस्जिद पूरी तरह से अवैध थी। नगर आयुक्त के मुताबिक इस मस्जिद और मदरसे के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में कब्जा कर लिया था और मदरसे और नमाज स्थल यानी की मस्जिद को सील कर दिया गया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उसे गुरुवार को हटाया गया। अब इस पूरे मामले पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा और कोर्ट में क्या हुआ था। गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा स्थित एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को बनभुलपुरा में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। मलिक कॉलोनी स्थित एक निवासी ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हल्द्वानी नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। जब हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं दी, इसके बाद मस्जिद मदरसे पर नगर निगम की ओर से ढहाव की कार्रवाई शुरू कर दी यानी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि इसी याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी है। सवाल ये है कि जब 14 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है तो फिर शासन प्रशासन ने इस तरह की जल्दबाजी क्यों की? सवाल भी कई उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हल्द्वानी के बाकी इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। महज बनभुलपुरा इलाके में ही कर्फ्यू लगा है। प्रशासन की ओर से लगातार इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। अब देखना यह है कि हल्द्वानी के हालात अब कब तक सामान्य हो पाएंगे। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।